नमस्कार, लवली की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रसोई में एक ऐसी यूनिक डिश बता रहे हैं जो कि फ्रेंड्स आपने अभी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी। और यह हुआ है, अब आप इसमें इन इडलियों को छोड़ दें। ये देखिए, इडलियां बढ़िया से फ्राई हो चुकी हैं। केवल एक चम्मच घी में ही सारी इडलियां कितनी बढ़िया से फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इन पर हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब आप गैस को बंद कर दें। ये जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था वो ठंडे हो चुके हैं। अब आप इन्हें इस दही में मिला दें। फ्रेंड्स, ध्यान दें कि आप गर्म ड्राई फ्रूट को बिल्कुल भी ना मिलाएं, क्योंकि उससे हमारा जो दही है वो हल्का सा फट सकता है, तो इसलिए इनको ठंडा होने के बाद ही मिलाएं। देखिए, हमारा ड्राई फ्रूट्स का रायता तैयार है। अब आप इसमें एक चम्मच पाउडर शुगर मिला लें। अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें आप डाल दें, अन्यथा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। अब आप इन सबको दही में अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, अब हमारा ड्राई फ्रूट वाला रायता बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आप इस रायते को नॉर्मल वैसे भी रोटी साथ या पूरी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। अब हमने यहाँ पर जो इडलियाँ फ्राई की थी उनको एक प्लेट में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और खाने में भी बहुत मजेदार लगती है। अब इडलियों को भी आप थोड़ा सा ठंडा होने दें। देखिए, जैसे कि इनमें से धुआं निकल रहा है वो अभी निकल जाए, 2 मिनट में इडलियाँ ठंडी हो जाएंगी। इडलियाँ हमारी थोड़ा सा ठंडा हो चुकी हैं। अब हमने जो फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वाला रायता बनाया था वो आप इसके ऊपर डाल दें।
देखिए हमने जो रायता बनाया था ड्राई फ्रूट्स वाला वो इसके ऊपर डाल दिया है। अब आप इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी और अगर आपके पास मीठी चटनी है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा मीठी चटनी भी डाल दें। फ्रेंड्स मेरे पास अभी मीठी चटनी नहीं है तो मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा सा सॉस डाल रही हूँ। फ्रेंड्स ये वाली जो रेसिपी है ये एकदम से दही भल्ले जैसी लगती है खाने में और दिखने में भी एकदम से दही भल्ले जैसी लगती है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस भी डाल दी है, थोड़ी सी आलू भुजिया या सेब भुजिया डाल दें। अब हमने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचाए हुए थे तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से रखें। अब हमारी डिश बनकर एकदम से तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए आप बताइए एकदम से नई डिश है या नहीं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।